आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक जायंट सी स्क्रिप्टी टॉयलेट का स्टैचू, और उसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक सीक्रेट रूम जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली है। लिटरली वहाँ से एस्केप करना बिल्कुल नामुमकिन है। और लास्ट में मैं बुलाने वाला हूँ निंजा फॉक्स को। ओ, ये क्या हो रहा है? ओ भाई, तुम अटैक हो गए मेरे ऊपर। तो सबसे पहले मेरे पास आ चुका है यहाँ मटेरियल लिए, जिसमें लिटरली बहुत सारे कंक्रीट हैं। तो उसके लिए मैं सीधा आ चुका हूँ एंड में, और अब सीधे चलते हैं हम लोग यहाँ पे एएफके रहने, क्योंकि मेरे पास है अनलिमिटेड वाला फार्म। सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइट कंक्रीट रख देता हूँ और बस मुझे यहाँ पे करना एएफके। तो सबसे पहले हम लोग इसे ऑन कर देते हैं और चलते हैं एक लॉन्ग टर्म के एएफके के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की एएफके के बाद, क्योंकि इतने टाइम में मेरा सारा कंक्रीट कलेक्ट हो जाएगा। Hours later. इसी के साथ फाइनली यहाँ पे मैं हो चुका हूँ AFK, और अब चलते हैं ओवरवर्ल्ड में और देखते हैं कि एक्चुअल में सारे सारे कंक्रीट यहाँ कलेक्ट हुए हैं कि अभी और भी करना पड़ेगा। और एक सेकेंड यार, ये तो मैं अपने बेस पे स्पॉन हो गया, तो सीधे चलते हैं हम लोग अपने मशीन पे। यार मेरा गेम कितना लैग होता है, पता नहीं मैं कब ग्राफिक कार्ड लूंगा। सारा का सारा कंक्रीट यहाँ कलेक्ट हो चुका है, अब बस मुझे इसे कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मुझे जाना होगा अपने छोटे वाले मशीन पे, जहाँ पे मैं इन सबको करने वाला हूँ कन्वर्ट, जिसमें लगने वाला है आधा घंटे से भी ज्यादा टाइम। तो सारे के सारे कंक्रीट मैं डाल देता हूँ इन चेस्ट में और चालू कर देता हूँ अपना काम। तो सिंपली मैं यहाँ पे लग जाता हूँ AFK के लिए, और आप लोगों से मिलता हूँ पूरे आधे घंटे के बाद। फाइनली सारे के सारे मटेरियल कलेक्ट हो चुके हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ मुझे कलेक्ट करना है वूल। तो फिर सीधे हम लोग चलते हैं अपने वूल वाले फार्म। तो सिंपली अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने शीप फार्म में, और अब मुझे कलेक्ट करने है 4 स्टैक से ज्यादा वूल। भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इसके लिए। तो मैं कलेक्ट करता हूँ सारे के सारे वूल, और आप लोग एंजॉय करिए छोटा सा टाइम लैप्स। फाइनली इसी के साथ सारे के सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके हैं, और अब वक्त आ चुका है अपने बिल्ड को बिल्ड करने का। भाई साहब, अब बस मुझे एक अच्छे से प्लेस ढूंढना है जहाँ पे मैं बिल्ड करने वाला हूँ इसकी बड़ी टॉयलेट। फाइनली मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक लोड कर लिया, और मुझे सबसे अच्छा प्लेस यही मिला जो कि मेरे विलेज के जस्ट बगल में है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना अपना तगड़ा इसकी बड़ी टॉयलेट। फाइनली इसके बड़ी टॉयलेट का स्टैचू बनके तैयार हो चुका है, जो कि देखने में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एपिक लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये रहा हमारा इसके बड़ी टॉयलेट। भाई साहब, ऑगी की स्टैचू के सामने वो लिटरली कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है। तो इसी के साथ मैं बिल्ड करने वाला हूँ एक सीक्रेट रूम जो कि है डेडली रूम। भाई साहब, वहाँ पर मैं किल करने वाला हूँ बहुत ही सारे लोगों को, और वहीं पर ट्रोल करेंगे निंजा फॉक्स को। तो सिंपली यहाँ पे मटेरियल लिस्ट आ चुका है जो कि हमारे सीक्रेट बेस का, और लिटरली मेरे पास सारे मटेरियल ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो फिर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा उसे बिल्ड करना। तो फिर सारे चीज़ों को मैं लिटरली स्टार्ट करता हूँ बिल्ड करना। एंड नो वे, रे यार। फाइनली भाई साहब, 5 घंटे की मेहनत के बाद हमारा जो बिल्ड है वो बन के तैयार हो चुका है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहा है। और ये देखो भाई साहब, यहाँ से इसका एंट्रेंस है, और हम इसी देश के अंदर जाते हैं, और यहाँ से आता है एक छोटा सा लैडर जो कि ऊपर जाने के लिए है, और ऊपर जाते ही हमारा द डेडली रूम। भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा एपिक लगने वाला है देखने में। एंड एक सेकेंड यार, मैंने यहाँ लिटरली बटन लगाना ही भूल गया, न जाने कब मैं काम ढंग से कर पाऊंगा। कौन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और डायरेक्ट बटन प्रेस करके चलते हैं अंदर। और ये देखो भाई साहब, लिटरली ये रूम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये डेडली रूम कैसे है आप लोग तो यही सोचते होंगे, और अब मैं दिखाता हूँ इस रूम का मैजिक। भाई यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैप्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे बैरल खोलता हूँ तो ये देखो भाई साहब, लिटरली यहाँ पे बहुत ही सारे एरो मुझ पे अटैक करेंगे, और यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये तो मैंने आर्मर पहना हुआ है, तब जाके मुझे इतना सारा डैमेज पड़ गया। और अगर मैं इसके सामने आता हूँ, ये देखो भाई साहब, यहाँ पे लगातार डैमेज पड़ता जाएगा, यहाँ पे मिलियंस ऑफ एरो निकलते ही जाएंगे। लिटरली ये कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। तो फाइनली अब वक्त आ चुका है निंजा फॉक्स को बुलाने का और उसे ट्रोल करने का। तो फिर मैं बुलाता हूँ निंजा फॉक्स को और करते हैं उसे ट्रोल। भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। हाँ हाँ, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। हो गया। तो क्या दिखाने वाले हो तुम मुझे? काफी लैग हो रहा है वैसे देखूं तो। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे आसपास। हाँ, ये क्या स्ट्रक्चर बना तो है? इलाइट्रा है मेरे पास, देखूं तो। तुम्हारे इन्वेंटरी में है। हाँ हाँ है, तो देखते हैं क्या बनाए हो तुम। लैग,
ओ भाई साहब स्क्रिप्टेड टॉयलेट, ये तुमने पूरा बनाया खुद से? हाँ सही तो है। ओ चलो मुझे एंट्रेंस मिल गया, मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो लैग हो रहा है वैसे गेम। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या बनाया है आपने इसके अंदर। तो बटन कहाँ है, कैसे अंदर जाएं हम? बटन कहाँ है वो भाई? साइड में देखो भाई साहब। ओ यहाँ बटन, कैसा बटन बनाया है तुमने, एकदम इल्यूजन टाइप का दिख ही नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे स्टोर वाला बटन लगाना चाहिए था। खुल जाएगा ना? हाँ चलो खुल गया। या देखो ब्लॉक लगाना तो भूल ही गए तुम। क्या बनाया भाई? वैसे काफी सिंपल सा इंटीरियर है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, यह मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं निकला। बैरल ओपन करो। रुको रुको करता हूँ, क्या है ऐसा बैरल में? ओ ये क्या हो रहा है? ओ भाई तुम अटैक हो गए मेरे ऊपर, ये तुम्हारा चाल था ना? इस टाइम तुम मेरे सीक्रेट बेस में फंस चुके हो, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। लेकिन मैं निकल के रहूँगा, पर क्या करूँ ऐसा, मैं कैसे निकलूँ, फंस गया हूँ मैं। रुको रुको एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। ओ भाई साहब अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ से तो मिलियंस एरो निकलते ही जा रहे हैं, एकदम रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया, मैं सारा अपने इसको निकाल लेता हूँ, एरो अपने पास रख लेता हूँ। अब क्या करोगे? लो अच्छा, जितने भी एरो कलेक्ट करे हो सारे के सारे को बैरल में डाल दो, और अब की बार बैरल में कोई भी ट्रैप नहीं लगा हुआ है, तो सिंपली तुम उसमें सारे प्लेस कर दो। हाँ हाँ मैं सारे एरो तुम्हारे बैरल में प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है रख दे रहा हूँ। तब बताओ कैसा लगा? मैं तो एस्केप कर गया, कुछ नहीं उखाड़ पाया तुम मेरा। उखाड़ भी नहीं पाओगे भाई, एस्केप कर गया मैं। हाँ तब तुम्हारे सामान इलेट्रा वगैरह मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और अब मैं सक्सेसफुली तुम्हारे एक घर से तुम्हारे सामने से जाता हुआ, कुछ नहीं उखाड़ पाया तुम मेरा। ए ए भाई ये क्या हुआ? तो इसी के साथ फाइनली मैंने सक्सेसफुली यहाँ निंजा फॉक्स को कर दिया है ट्रैप। भाई साहब वो मेरे ट्रैप में इस तरह फंसा कि उसे खुद समझ नहीं आया कि वो असल में करे तो करे क्या। तो आखिरी में आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ तो भाई मज़ा आ गया तुम्हारे वर्ल्ड में आके, बाय द वे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो गाइज इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करते जाइएगा, और उस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आप इनके सारे वीडियो से अवेयर रहें। और हाँ मेरे चैनल का भी लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे भी फॉलो करिए। बाय। मत करना।